गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। आज आपका ईश्वरीय वरदान, और इस वरदान में जाने से पहले आप इस लिंक को देखें जहाँ पर जाकर के आपको योगासन, खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, सोना कैसे चाहिए, किस विधि से सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और डाइट के बारे में भी सब कुछ मेंशन किया है। तो इसको देखिए, लिंक को जाकर के क्लिक करके 11 वीडियोज़ हैं। और अब आते हैं हमारे आज के वरदान पर। तो परमपिता परमात्मा आज हमें कहते क्या हैं और वो चाहते क्या हैं हम करें। परमात्मा तो हमारे मुश्किलों को हल करने के आते हैं, हम अपनी मुश्किलें खुद ही पैदा करते हैं बच्चे होने के कारण। और फिर पिता आकर के बताते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ गलती कर रहे हो। तो आज परमपिता परमात्मा हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हम कभी कभी अपने गोल तक, अपने जो लक्ष्य तक पहुँचने से पहले हम बहुत विघ्नों में फंस जाते हैं। इधर उधर के विघ्नों में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और व्यर्थ संकल्पों को और व्यर्थ बातों में फंस जाते हैं। उसको कैसे हटाया जाए और वो हैं कौन सी बातें, तो देखें आज बाबा कहते क्या हैं। परमात्मा पिता कहते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर। ब्रह्मा कुमारीज में हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है जो कि सारे के सारे धर्मों से ही रिलेटेड है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम ये सारी नॉलेज को रिवाइज करें और हर दिन सोचें इनके बारे में, ताकि हमारी मन बुद्धि एकाग्र रहे। कोई भी चीज़ की ताकत अगर हमें मिलती है तो वो हमें हेल्प करती है कि हम एक लाइन में चल पाएं, चाहे वो फिजिकल ताकत हो, चाहे वो मेंटल ताकत हो। तो ज्ञान भी एक ऐसी ताकत है जो कि आपके मन बुद्धि को भटकने नहीं देती है, एक सीधी लाइन में चलने के लिए आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पे परमात्मा भी कहते हैं, कुछ ज्ञान की पॉइंट्स दिए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले कि अपने आप को आत्मा समझो, औरों के बारे में उनके शरीर के द्वारा उनकी तुलना करना, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। फिर दूसरा, परमात्मा ने कहा है कि अपने पुनर्जन्म और पिछले जन्मों को याद करो कि तुम क्या थे, मैं तुम्हें जब भेजा था इस धरती पर वो याद रखो। तो तुम्हें अभी की जो सिचुएशन है, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम्हारे पास में शरीर अच्छा नहीं है, चाहे तुम्हारे पास में कोई कला नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था कई जन्म पहले, परमात्मा कहते हैं, उसको याद रखो। तो तुम ये याद रख पाओगे कि तुम आज की दुनिया के हिसाब से तुम कम नहीं हो, किसी से कम नहीं हो। तुम अपनी ही नज़र में बहुत ऊंचा उठ पाओगे और तुम मेरी नज़र से अपने आप को पहचानो। जब तक तुम मेरी नज़र से अपने आप को नहीं पहचानते, तब तक तुम औरों से चाहोगे कि वो आपको पहचाने, वो आपको बताएं कि आप कौन हो, कैसे हो। तो परमात्मा ने ये भी हमें ज्ञान दिया है कि हम अपने स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, ट्रू रिस्पेक्ट में रहें। ये नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखने वाला हूँ या मेरे पास में सब कुछ है, ये चीज़ नहीं। मैं क्या आत्मा था पहले, कई जन्म पहले थी, कई जन्म पहले, उसको याद रखो। अभी के हिसाब से तो वो तो बहुत ही ऊंची स्थिति थी, अभी तो वो स्थिति कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं उसको याद रखो। बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं। और ड्रामा जो बना हुआ है, जो एक्टिंग हो रही है, हर एक आत्मा की अपना अपना रोल मिला है, फिक्स्ड रोल है। किसी को भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम थक जाएंगे, ये भी याद रखो। ड्रामा की बहुत सारी पॉइंट्स हैं। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर, समाधान स्वरूप, सॉल्यूशन स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बेगमपुर दुनिया क्या है? गम की दुनिया बनी हुई है। कल को हम कहते हैं गम की दुनिया, दुखी दुख है। परमात्मा कहते हैं इस गम की दुनिया को भी आप बेगमपुर के बादशाह बनकर के जी सकते हो। विस्तार में चले, ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, जो हम हर दिन पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हम लिखते हैं या तो हम उसके बारे में सोचते हैं बुद्धि में, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, उनको एक्सपीरियंस करो, उसको यूज करो। टूल्स को जब तक यूज नहीं करते, तब तक पता नहीं चलता कि उसकी ताकत क्या है। ज्ञान भी ऐसा टूल है। परमात्मा ने ड्रामा की पॉइंट्स दी हुई हैं। मैं पिछले जन्म में क्या क्या आत्मा रह के आ चुकी हूँ, मैं सत्युग में कैसी थी आत्मा, कब मेरे को नीचे आना पड़ा, क्या स्थिति में मैं आत्मा आई थी, कितनी प्योर थी। ये जब सारे टूल्स हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन इनको यूज नहीं किया तो फिर बुद्धि फिर पुरानी बातों में चली जाती है, धन दौलत में, ध्येय की बातों में चली जाती है अपनी। फिर हम उन चीज़ों में अपनी रिस्पेक्ट ढूंढनी शुरू कर देते हैं। धन आया, धन गवाया, रिस्पेक्ट आई, रिस्पेक्ट गई, ये सोचना शुरू करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, उसी चीज़ों में फंसते रहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जो तुम्हें मैं बताया है कि तुम क्या थे कई जन्म पहले, उसको याद रखो, तो तुम्हें ये छोटी छोटी दुनियावी बातें तंग नहीं करेंगी। तुम तीनों कालों के हिसाब से अपने आप को जान पाओगे कि तुम क्या थे, क्या बन रहे हो और क्या बनना है तुम्हें, क्या हो वो नहीं। इंसान भी अगर देखता है कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, लेकिन उसके बारे में सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन वो ये सोचे कि मेरे को करना क्या है,
तो फोकस कहाँ करे, क्या पैदा हुए कि करना क्या है। तो परमात्मा कहते हैं तुम क्या थे वो याद रखो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्या हो वो नहीं, क्या बनना है, क्या बन रहे हो वो याद रखो। तो परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे, चाहे वो संबंध की प्रॉब्लम्स हो, चाहे धन की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपको। फिर बाबा कहते हैं कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। समस्या एक पत्थर रूप में परमात्मा कहते हैं, उसके उदाहरण पे यूज कर रहे हैं परमात्मा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, व्यर्थ संकल्प लगाते हैं उसमें, व्यर्थ संकल्प क्यों क्यों किया उसने ऐसे, इसको इतना बताया मैंने, क्यों किया उसने ऐसे, क्या क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, किसने कर दिया, कब कर दिया, हाँ ये क्या हो गया। परमात्मा कहते हैं ये क्यों क्या कैसे कहाँ कब किसने, ये सब व्यर्थ संकल्प हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप जा रहे हो एक गाड़ी में बहुत दूर की सैर करने के लिए, और वो ट्रैवलिंग में आप 1 घंटे की ट्रैवलिंग है, लेकिन आप आजू बाजू देखने लग जाते हो, अरे वो गाय क्यों है रोड के ऊपर, अरे इतनी गंदी क्यों रोड, अरे इतने गड्ढे क्यों है इस रोड में, गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, अरे ये बस ड्राइवर को चलाना नहीं आता, अरे इसको देखो कितना स्लो चला रहा है। परमात्मा कहते हैं कि आपको रास्ते नहीं दिखाई देंगे फिर आपको आगे बढ़ने के, आप इन सबको पत्थर बना करके इनको तोड़ने के पीछे लगे रहोगे। हम अपने जीवन में वही करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम या अपने फैमिली मेम्बर्स को ब्लेम करते हैं, या अपने सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, अपने समाज को ब्लेम करते हैं, वेदर को ब्लेम करते हैं, मौसम को भी नहीं छोड़ते हम तो, और साथ ही साथ अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, तुम ही लायक नहीं हो। तो परमात्मा कहते हैं ये सारे जंजाल से बाहर निकलो, इसको छोड़ो तो तुम जंप मार पाओगे, और जो 1 घंटे का रास्ता है जिसको तुम 2-3 घंटे लगा देते हो पहुंचने के लिए, इधर उधर बातें करते हुए, उधर उधर देखते हुए, कंप्लेन करते हुए, ब्लेम करते हैं, उसको तुम 1 घंटे के अंदर ही तय कर पाओगे। तो सोचो कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है, ड्रामा शब्द की स्मृति से उसके लिए क्या करना है, ड्रामा, ड्रामा में जो भी हो रहा है, हर एक आत्मा जो जो अपना पार्ट प्ले कर रही है, चाहे वो ठीक हो या ना हो, चाहे उससे आपको नुकसान हो या फायदा हो, उसके ऊपर फोकस नहीं करना परमात्मा। तो वो ड्रामा है, वो फिक्स्ड है, हर एक आत्मा को मैं चेंज करने अगर चला गया तो मैं अपने ड्रामा को भूल जाऊंगा, अपनी एक्टिंग को भूल जाऊंगा और अपने लक्ष्य को भूल जाऊंगा। और यही होता है हमारे साथ में, चाहे बचपन से हो चाहे बूढ़ा काल में हो आपके साथ में, लेकिन यही सारी चीजें होती हैं। हम औरों के ऊपर फोकस करते हैं और अपने गोल को भूल जाते हैं, हम औरों को ठीक करने में लग जाते हैं, औरों को सही दिशा दिखाने में लग जाते हैं, हम औरों के गुरु बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं अपना गुरु बनो। तो ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। तो ड्रामा में जो हुआ हुआ, लेकिन मेरे से गलती हुई वो ड्रामा नहीं, हमेशा वो हो गया, चलो ठीक है हो गया, लेकिन अभी मेरे को ड्रामा में अपनी खुद की लिखनी है, अपने जीवन का लेख मेरे को खुद से लिखना है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप आकर के मेरे ड्रामा में लिखो कि मेरे को क्या करना चाहिए, कि मैं कैसा एक्टर हूँ, मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी ही लेख खुद ही लिखूंगा, मैं अपने बारे में खुद लिखूंगा, जैसे परमात्मा ने मेरे को बताया मेरे बारे में, तो मैं अपना ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा ना, मैं अपने जीवन काल की कहानी लिखूंगा। तो परमात्मा कहते हैं औरों को ब्लेम मत करो, नहीं तो आप जब उनको ब्लेम करते हो तो वो आपकी जीवन कहानी लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मन बुद्धि को वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं। वो ऐसे हिले आप तंग हुए, वो वैसे बोले आप तंग हुए, तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो कंट्रोल वापस ले लो अपने हाथ में, परमात्मा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं फिर ये पुराने संस्कार, कौन से संस्कार, तंग होने के, परेशान होने के, इसने ऐसे क्यों किया, किसने क्या किया, कौन हुआ, कब हुआ, ये सारे क क क क क जितने लगाए हुए, कौन कैसे कब कहाँ क्यों, जिससे कि हम औरों को अपनी ताकत दे देते हैं कि वो हमें डिस्टर्ब कर पाए और हमें हलचल में लाए, वो सब पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, वो आपकी बात मानेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे बार बार आकर के। लेकिन पहले बादशाह बनो, मन बुद्धि का बादशाह कब बनेंगे, जब हम परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, परमात्मा से लगाव रखेंगे, औरों से नहीं, कि हम औरों को कंट्रोल करने में चले गए, औरों को कंट्रोल किया तो हमें बड़ी खुशी हुई, उसने मेरी बात मानी बड़ी खुशी हो गई, उसने मेरी बात नहीं मानी बड़ी दुखी हो गया आज। तो ये चीजें हट जाएंगी और परमात्मा से जुड़ जाएगा मन बुद्धि, तो हम अपने मन और बुद्धि के बादशाह बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, अपने तख्त पे बैठो। एक राजा भी अपने तख्त पे बैठ करके ऑर्डर देता है, ये नहीं क्या करता कि एक एक मंत्री के पास में जाता है, अरे ऐसे मत बोलो, अरे ऐसे क्यों कर दिया आपने, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अरे ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए था ना, वैसे नहीं करता मंत्री कभी, राजा जाकर के मंत्री के पास में कभी, राजा बैठता है सीट पे, वहीं से बोलता है आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। वैसे ही अपने मन बुद्धि को बताना है, मन बुद्धि को ये नहीं करना है कि अरे उसने ऐसे क्यों कर दिया,
ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो कैसे कर सकता, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, किसने कर दिया ये काम, क मैं नहीं जाना। परमात्मा कहते हैं बस अपने ऊपर फोकस, राजा अपने ऊपर फोकस करता है और गाइड करता है। वैसे ही आप राजा बन जाओ अपने मन के और अपने मन बुद्धि को गाइड करो। कैसे करना है, मेडिटेशन सीखनी पड़ेगी उसके लिए आपको। तो आज का आपका ये ईश्वरीय वरदान, आप आकर के ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाकर के फ्री मेडिटेशन सीखें वहाँ पर, जो कि 150 देशों में सिखाया जा रहा है निःशुल्क, बिल्कुल भगवान कभी अपने बच्चों से कुछ पैसे नहीं ले सकता, तो निःशुल्क है वो। इसके साथ आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।